सब्सक्राइब कीजिए फोन मैग्नेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों 2018 में Xiaomi ने अपना नया सब ब्रांड पोको को मार्केट में उतारा था और इस कंपनी का पहला फ़ोन था पोको F1 जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि दोस्तों ये सबसे सस्ता फ़ोन था जो आ रहा था स्नैपड्रैगन 845 के साथ। और अब दोस्तों कंपनी लॉन्च करने जा रही है पोको F2, तो चलिए देख लेते क्या स्पेसिफिकेशन और रूमर्स आए सामने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश, आप देख रहे हैं फोन मैग्नेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पोको F2 लिस्ट हो चुका है गीग बेंच पर और यहाँ पर इसका सिंगल कोर स्कोर है 2321 और मल्टी कोर स्कोर है 7564। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पर दिया जाएगा स्नैपड्रैगन 845 जो कि पोको F1 में भी दिया गया था, लेकिन उस समय दोस्तों ये प्रोसेसर नया था और अब ये प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना हो चुका है, क्योंकि दोस्तों अब स्नैपड्रैगन 855 आ चुका है। इस फ़ोन में दिया जाएगा एंड्रॉयड पाई का सपोर्ट और फ़ोन को पावर देने का काम करेगी 4000 mAh की बैटरी। दोस्तों पोको F2 आएगा 6 GB रैम और 8 GB वेरियंट के साथ और यहाँ पर दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ फेस अनलॉक का फीचर भी दिया जाएगा। दोस्तों पोको F1 जाना जाता अपने कम दाम में ज़्यादा बेहतर प्रोसेसर और स्पेसिफिकेशन के लिए, और हमारी यही उम्मीद पोको F2 के साथ भी है। अब देखना है ये कंपनी इसकी प्राइस कितनी रखती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोजाना लाता रहता हूँ आपके लिए ऐसे ही वीडियो।